नमस्ते, मैं हूँ सीमा गुप्ता। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ नाग पंचमी को लेकर, कि नाग पंचमी के दिन हम क्या करें कि अगर आपको काल सर्प दोष हो तो वो भी दूर हो जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो 25 तारीख को यानी 25 जुलाई को नाग पंचमी आ रही है उसका महत्व क्या है, और वो 25 जुलाई को जो नाग पंचमी मनाई जा रही है वो सिर्फ पंचमी तिथि को ही क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कृष्ण पक्ष हो या फिर शुक्ल पक्ष हो, हर 15 दिन में पंचमी तिथि आती है, लेकिन ये जो साल की पंचमी तिथि है ये बहुत महत्व रखती है। बिकॉज ऑफ इसमें कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई भी सर्प से संबंधित दोष हो, काल सर्प दोष हो, या फिर कुछ आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो जिसकी वजह से लाइफ में विष घुल गया हो, तो ये विष निकालने के लिए बहुत अच्छी तिथि मानी जाती है। तो सबसे पहले ये समझते कि आखिर ये पंचमी जो तिथि है ये नागों को क्यों समर्पित है। नाग मीन्स राहु, यानी राहु और केतु जो है उनको सर्प की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जो पंचमी तिथि है वो माता सरस्वती को समर्पित है। जैसे कि मैंने अपने एक राहु के वीडियो में बताया था कि अगर आपको राहु से संबंधित कोई समस्या है तो आपको माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती जो है बुद्धि और विद्या की देवी है। राहु हेड है और वो हमारे 4 सेंसेस के ऊपर कंट्रोल रखता है। सिर्फ एक सेंस है जो उसके कंट्रोल में नहीं है, जिसे हम कहते हैं टच, वो केतु के कंट्रोल में आता है। मैं इसके उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी जो है मैं सिर्फ आपको मेन जो मेरा बताने का जो अभी एक मोटिव है वो ये है कि मैं आपको नाग पंचमी के बारे में बताऊं कि पंचमी तिथि को क्यों मनाई जाती है। कहते कि बहुत पुरानी समय की बात है, एक किसान जोड़ा था जो हमेशा हल जोतता था किसान खेतों में। तो उस दिन वो भी अपने खेत की जुताई कर रहा था, अन्न बोना था, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि नाग नागिन के जो बच्चे थे वो 3 बच्चे उस जोतने के समय पे वो किसान के हाथों मारे गए। जब नागिन को ये बात पता चली कि किसान ने मेरे बच्चों को मार दिया, तो वो उसने क्या किया, उस किसान जोड़े को भी डस लिया, उसके भी 3 बच्चे थे, उसको दोनों बच्चों को डस लिया। लेकिन उसकी जो लड़की थी वो लड़की शिव भक्त थी और हमेशा सर्पों के लिए दूध रखना और उनको कुछ ना कुछ पूजा पाठ वो करती रहती थी। जैसे ही वो सर्प उसको डसने के लिए नागिन आई, उसने क्या किया कि एक कटोरे में दूध लिया और उसको दे दिया। अब वो नागिन ये सोचने लगी कि भाई मैं तो उसको डसने के लिए आई हूँ, लेकिन ये तो मुझे दूध पिला रही है। तब उसने बोला कि उसने कहा कि मैं सर्पों की बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ और मेरे माता पिता को नहीं पता था कि यहाँ पर आपके बच्चे हैं और वो एक दुर्घटना की वजह से मारे गए हैं। अगर आप मुझसे खुश हो तो आप मेरे माता पिता और भाइयों को वापस कर दो। तब उस नागिन को दया आई कि ठीक है, ये जो घटना हुई है ये अनजाने में हुई है। तो उसने क्या किया, उसके जो माता पिता थे उनको भी जीवित कर दिया, भाइयों को भी जीवित कर दिया। तब उस लड़की ने कहा कि पंचमी तिथि, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन पंचमी तिथि थी। तब उस लड़की ने क्या कहा कि अगर जो भी सर्पों की पूजा करेगा, सर्पों के लिए दूध रखेगा, एक्चुअली दूध सर्पों को पिलाया नहीं जाता है, जो मैंने पुराणों में पढ़ा है कहते हैं कि सर्पों को दूध से नहलाया जाता है, लेकिन कुछ मिथ्या चीज़ें चली आती हैं कि सर्पों को दूध पिलाना रहता है, लेकिन पिलाया नहीं जाता, एक्चुअली उनको समर्पित किया जाता है या फिर उनको स्नान कराया जाता है। ठीक है, तो जिस दिन ये घटना घटी उस दिन पंचमी तिथि थी और ये लड़की ने कहा कि जब भी आपकी कोई पूजा करेगा तो आप उसको दुख मत देना, और अगर आप उसकी कुंडली में काल सर्प दोष बनकर बैठे हुए हो तो वो दूर कर देना। काल सर्प भी एक मिथ्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काल सर्प की जो काल सर्प है वो अगर हम देखें तो 12 लग्न और 12 राशियां हैं, तो अगर हम देखें तो 288 प्रकार के काल सर्प योग बनते हैं हमारी कुंडली में, और 12 काल सर्प जो है वो है मेजर। काल सर्प के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, लेकिन जो ये पंचमी तिथि को नागों को समर्पित है उस दिन जरूर आप नागों की पूजा करें, क्योंकि जब हम शिव मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा शिव के ऊपर एक सुंदर सा तांबे का या पीतल का नाग होता है, उसके ऊपर जरूर दूध को समर्पित करिए।
क्योंकि अगर आपकी कुंडली में नाग दोष भी होता है तो कहते हैं कि वंश नहीं आगे बढ़ता, बहुत सारी चीजें चलती हैं। और नाग जो है वो राहु से संबंधित, अगर राहु आपकी कुंडली में परेशान आपको कर रहा है, राहु आपकी कुंडली में आकर आपका मन भ्रमित कर रहा है, तो भी आप ये कल के दिन यानी नाग पंचमी वाले दिन 25 तारीख को आप इसको दूर कर सकते हैं। करना क्या है उपाय, देखिए तांबे का नाग का एक जोड़ा या फिर चांदी का नाग का एक का जोड़ा, जो इस समय अगर हम देखें इस पैंडेमिक सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, जो हम नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैंने बहुत इजी बना दिया है जिसे आप घर में बैठ के कर सकते हैं। सबके घर में जौ का आटा होता है, जौ के आटे में थोड़ा सा तिल डालकर छोटे छोटे से आपको सांप बनाने, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है राहु से संबंधित, काल सर्प से संबंधित, तो 288 आप सांप बनाइएगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि एक जोड़ी सांप चढ़ाने से भी आपका काम बन जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। छोटे छोटे से सांप आपके जौ के आटे के बनाने हैं, फिर कल उसको आप शिव मंदिर में लेके जाइएगा, शिव भगवान को दूध चढ़ाइएगा, वो जो एक जोड़ी सांप रहेंगे वहाँ पे शिव जी के वहाँ पे समर्पित कर दीजिएगा। शिव जी से प्रार्थना करिएगा कि जो भी मेरी कुंडली में दोष सर्प से संबंधित चल रहा है, मेरी जीवन में जो भी विष घुल गया है, उस विष को आप दूर कर दीजिए। ये एक छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, तो जरूर ये जो है नाग पंचमी वाले दिन जरूर आप आजमाइएगा, क्योंकि जिसको भी मैंने उपाय बताया उसको बहुत अच्छा लाभ मिला है। तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन में जो भी कड़वाहट है वो कड़वाहट को कल शिव भगवान को जरूर समर्पित करिए, क्योंकि वो तो वैसे भी विष पिए हुए हैं और हम जितना चाहें उनको भी समर्पित कर सकते हैं, वो हमारे जीवन में उतनी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएंगे। थैंक यू।